अजय कोर्ट जहां जुम्मे की नमाज अदा की गई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश दिए। अभी हम वाराणसी के अस्सी घाट पर मौजूद हैं, जहां प्रबुद्धजन मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करके समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो कैसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसमें तारीख डाली है, क्योंकि जून, पूरे जून जो है कोर्ट बंद रहता है, इसलिए उन्होंने जुलाई में कहा है कि इसकी सुनवाई होगी। हमारे आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मिल चुके हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। वो जून में सुने, जुलाई में सुने या अगस्त में सुने, ज्योतिर्लिंग हमारा है, वो मिल चुका है। आज नहीं तो कल वहाँ भव्य मंदिर बनेगा, हम लोग इंतजार करेंगे। 1991 के एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा आज कई आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है कि विपक्षी गण जो प्रतिवादी गण हैं, उनकी ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन पड़ी है फॉर द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, कि ये सूट बार्ड बाई प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 से है, उस पर सुनवाई का आदेश दिया है। केस को डिस्ट्रिक्ट जज को सिविल जज के यहाँ से ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है। 17 मई 2022 को जो आदेश इंटरिम ऑर्डर पारित किया है कि नहीं जो शिवलिंग पाए जाने का जो स्थान बताया जाता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, संरक्षित किया जाए, और नमाज जैसे पहले चल रही थी वो नमाज चलती रहेगी, नमाज की क्रिया चलती रहेगी, और वजू का स्थान जो है वो बाहर प्रबंध करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, और 8 सप्ताह के बाद पुनः जो है वो सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, और कमीशन रिपोर्ट जो दाखिल की गई है न्यायालय के दहलीज पर, उस कमीशन रिपोर्ट पर भी न्यायालय को सुनवाई करने की अधिकारिता। उम्मीदें कितनी जग रही हैं? उम्मीदें पूरी जग रही हैं। अब क्या बचा? पहली लड़ाई हम लोगों की जीत हो गई, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ की शिवलिंग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई के ऑर्डर में मोहर लगा दिया। सहमत है सर्वोच्च न्यायालय? देखिए, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो रिपोर्ट लीक की गई है ये गलत है, और जो उसका बाजारीकरण हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो बाबा आ गए, बाबा, अरे बाबा भाजपाइयों के खोए होंगे, हमारे बाबा तो सदा से वहीं बैठे थे, हमारे बाबा सदा से वहीं बैठे हैं, हम रोज नित्य दर्शन करते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को इस तरीके से ये लोग एक परसेप्शन जो बना रहे हैं वो गलत है। वो कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो बिल्कुल सब मानेंगे, सारे कोर्ट के निर्णयों को पूरे देश की जनता ने सिरोधार्य किया है और करेंगे। मसला ये है कि क्या मीडिया ट्रायल से ये मामला हल होगा, क्या जनता के मुद्दों को भी कभी मीडिया उठाएगी? क्या सहमत है इनकी बातों? बिल्कुल सहमत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी ये कह रहा था कि क्या जनता के मामलों को मीडिया उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी, उठाती रही है। पत्रकारिता जो है संविधान का चौथा स्तंभ है, और कोई भी विषय हो तो वो संवैधानिक तरीके से ही उसका निर्णय हो सकता है। न्यायालय के आदेशों को कैसे देख रहे हैं? न्यायालय के आदेशों को बिल्कुल सकारात्मक देख रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक देख रहे हैं। जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप में, प्रमाण के रूप में सोमवार को बाबा का प्रकटीकरण हुआ है, वो उस जब प्रमाण साक्षात उपलब्ध है, वहाँ पे तमाम तरह के सांस्कृतिक चिन्ह मिले हैं जो कि सर्वे रिपोर्ट में है, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे यह साबित होता है कहीं ना कहीं कोर्ट का निर्णय भी आ जाएगा। इंतजार करिए, चंद दिनों की बात है, कोर्ट का निर्णय भी आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए कि बाबा वहाँ थे, हैं और रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है, ज्ञानवापी को लोग मस्जिद कहते हैं, मैं तो मंदिर कहता हूँ, और जो भी ज्ञानवापी शब्द के मतलब को जानता होगा वो मंदिर ही कहेगा, कोई मस्जिद नहीं कहेगा। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद इसलिए नहीं है कि उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी, ज्ञानवापी इसलिए कहा गया क्योंकि बगल में ज्ञानवापी कूप है। ये लोग जो नया विश्लेषण कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मतलब हिंदू, बिल्कुल ज्ञानवापी मीन्स ज्ञान का कूप। आप ज्ञानवापी से आपको दिक्कत है तो आप तलीमवापी कर दिए होते, तलीमवापी क्यों नहीं हुआ, ज्ञानवापी क्यों रहा, तालीमवापी होता। और तो ये ऐसा नहीं है, वहाँ पे ज्ञानवापी नाम का कुप था, है, और उसी से उस मस्जिद का नाम भी वो ज्ञानवापी हटा नहीं पाए आज तक, इतने सालों से मस्जिद बना रखे, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धुआं, धुआं ऐसे ही नहीं उठती, कुछ न कुछ अग्नि होती है, कहीं ना कहीं अग्नि प्रदीप्त रहती है, तो इसी कारण से कुछ तो शिव तत्व है, इसीलिए आज तक उसका नाम नहीं बदल पाया उस मस्जिद का, कभी किसी हिंदू संस्कृति के नामों से जुड़ा किसी मस्जिद का नाम आपने देखा है क्या? लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए सबको, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। आज साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला केवल
माफी करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला केवल पूजा पाठ से रिलेटेड है, ठीक है, किसी की आस्था पे कोई सवाल नहीं। दो तीन कंडक्ट थे, मैं आपको बता दूं, मैंने नोट भी किया है क्योंकि सवाल बहुत आ रहे हैं और अनर्गल बयानबाजियां चल रही है दोनों पक्षों से। मैं किसी एक पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूँ, मामला केवल पूजा के अधिकार का है, ठीक है, दोनों पक्षों के। हमारा प्रयास है संतुलन बनाए रखना, ये कोर्ट की टिप्पणी है, ठीक है। रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाम सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, एक्ट को लेकर मैं आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। अब मामला आ रहा है मामला 1991 का, ठीक है, जो वर्शिप एक्ट है, उससे भी कोर्ट ने कहा है कि तमाम ऐसे मामले हैं जो 1991 से रिलेटेड हैं और बहुत से ऐसे मामले जो 1991 से रिलेटेड नहीं है। शायद कोर्ट को ये लगता है कि अभी ये मामला उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो ट्रायल है वो अब वाराणसी जिला जज करेगा। और दूसरा, उन्होंने जो एक बड़ी बात कही कि 25 साल के एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जल्दबाजी हुई है बहुत सारी चीजों को लेकर के। हुई है क्या कि जिला जज को फैसला सुनाने को लेकर? 25 साल अभी फैसला हुआ ही नहीं, ट्रायल शुरू हुआ, किस चीज की जल्दबाजी है? नहीं नहीं, गलत लोग भरमा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, लोग भरमाए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। विषय यह है कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं, बाबा को आधे तो ऊपर दिख रहे हैं, आधे तहखाने में छुपाए गए हैं। जिस तरह से इन लोगों ने बाबा को सदियों से छुपा के रखा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। तहखाने की जांच क्यों नहीं करवा लेते? यही लोग कहते हैं साथ को आज नहीं, यही लोग कहते हैं साथ को आज नहीं। हम और आप नहीं करा पाएंगे ये जांच, ये जांच कोर्ट कराएगा और कोर्ट के निर्णयों का हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जो बनारस में 55,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, उस पर अब मीडिया को वापस लौटना चाहिए। जिला जज को फैसला सुनाने का जो है कह दिया गया है कि आगे की सुनवाई वो करेंगे, किस तरह देखेंगे? जी, यह काशी कही जाती है कि काशी तीनों पृथ्वी से काशी इस भूतल से अलग है, बाबा के त्रिशूल के नोक में बसी हुई है, तो इस बाबा का फैसला किसी पृथ्वी से नहीं हो सकता, इसीलिए काशी का फैसला काशी पे छोड़ दिया गया है, बाबा की नगरी का फैसला बाबा के नगरी पे छोड़ दिया है। और जो सबको फैसला देने वाले हैं बाबा, उनकी फैसला कौन कर सकता है? तो यह काशी से ही इसकी फैसला होगी या बाबा की नियति है, क्योंकि काशी तीनों काशी भूमंडल से अलग है और तीनों लोकों से न्यारी हमारी प्यारी काशी है, तो इसकी फैसला बाबा के दरबार से ही होगा। अभी भी जब दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो तर्क होते हैं, उसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, कोर्ट की भी प्रक्रिया एविडेंस से चलती है। जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट ने प्रत्यक्ष और प्रमाण उपलब्ध कराए हैं, उस हिसाब से किसी स्थिति में भी ये नहीं लगता कि वो कभी मस्जिद, मतलब वो मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सूझबूझ और चतुराई का परिचय देते हुए लोअर कोर्ट को मामला हैंडल करने का आदेश दिया। इसका जो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा कारण, सारा मामला लोअर कोर्ट शुरू से देख रही है, सर्वे भी लोअर कोर्ट के अधीनस्थ अधिकारी की निगाह में हुई, जितनी भी अब तक प्रक्रियाएं हुई सर्वे से लेकर रिपोर्ट सौंपने तक, विवाद तक, सारा लोअर कोर्ट ने देखा, जिसको कि ये मुस्लिम पक्ष मस्जिद कमेटी वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे। कल सर्वे कमेटी ने सारी रिपोर्ट को माननीय न्यायालय को, लोअर कोर्ट को सौंप भी दिया, जिसके लिए ये लोग एड़ी चोटी एक लगाए थे कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पाए। फैसले को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कितना पक्ष में होगा और कितना है? देखिए, न्यायालय फैसला सबूत के आधार पर करता है, सबूत चिल्ला चिल्ला करके हिंदू मंदिर की गवाही दे रहे हैं महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित पन्ने के शिवलिंग की, तो इसी आधार पर फैसला होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं जो आज ज्ञानवापी मामले को लेकर के उन्होंने दिया है? सत्य में वो जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है और जो असत्य होता है हमेशा हारता है। बाबा को छिपा दिया गया था, हमारे यहाँ शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, तो माया रूपी एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे ईश्वर को कोई छिपा दे तो कितने दिन तक छिपा के रखेगा? जो ढूंढने वाले हैं वो तो ढूंढ ही लेंगे, तो आज ढूंढने वालों ने बाबा को ढूंढ लिया, बाबा कहीं गए तो थे नहीं, बाबा वहीं के वहीं थे, बाबा वहीं मिल गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यह मामला बनारस के ही सिविल कोर्ट में देखा जाए, तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि यदि आपका सुई अगर आपके घर में खोया हो तो आप अपने द्वार पे तो नहीं ना खोजेंगे उसको, तो घर में खोया है तो घर में ही खोजना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, ये मामला यहीं से सॉल्व होना चाहिए और यहीं से अच्छा सॉल्व होगा। और हम समझते हैं कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के बहुत अच्छा विचार विमर्श करके इस मुद्दे को निपटाएंगे ताकि सबका भाईचारा भी बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है उसको आम जनमानस कैसे देखती है, काशी की जनता उस पर क्या सोचती है, तो सुन लिया आपने लोगों की बात। उनका कहना है कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सबसे ठीक है और न्यायालय
सच्चे और सबूतों पर काम करता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।